हेलो दोस्तों, जो लोग स्टेनोकोड का स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये मैटर है 80 शब्द प्रति मिनट से, जो कि 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। स्टार्ट। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का यह शेर मानो इस बार बजट के पहले का हाल बयान कर रहा है। पहली लाइन में वे हसरतें जिनके पूरे होने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से कर रहे हैं, और दूसरी लाइन मानो वित्त मंत्री के मन की व्यथा। पिछला बजट कोरोना की छाया में आया था और यह उम्मीद जताई गई थी 2023 के बजट पर यह छाया नहीं होगी। तब किसे खबर थी कि यूक्रेन पर रूस हमला कर देगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नए कुचक्र में फंस जाएगी। इससे इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काम मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन, जापान, यूरोप और अमेरिका में मंदी की आशंका दिनों दिन हकीकत में बदल रही है, और अब सबसे बड़ा सवाल है कि मंदी के अंधड़ में भारत कैसे अपने पैर जमाए रह पाएगा। शायद यही वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती अगर एक साल बाद ही लोकसभा के चुनाव न होने वाले होते। 2024 के आम चुनाव के पहले एक बजट और आना है, मगर परंपरा के अनुसार वह लेखानुदान यानी अंतरिम बजट होगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था व चुनावी राजनीति दोनों को साधने का काम वित्त मंत्री को 2023 के बजट में ही करना है। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले साफ कह दिया है कि पिछले बजटों के सिलसिले की अगली कड़ी ही होगा यह बजट, यानी अर्थनीति में निरंतरता दिखेगी, मगर दुनिया के स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और उनका असर है कि भारत की पुरानी चुनौतियां ही बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पहले सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। सरकार जब पैसा लगाती है तभी निजी क्षेत्र से भी निवेश की धारा बहनी शुरू होती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बजट में पूंजीगत खर्च में 35% से ज़्यादा की वृद्धि की गई है और इसे 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। जानकारों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार इसमें कम से कम 30% का इजाफा करेगी, तभी जीडीपी की गाड़ी पटरी पर रखी जा सकेगी। जीडीपी का हमारी आपकी जिंदगी से बहुत नज़दीक का रिश्ता है। हम सभी की कमाई और खर्च भी जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी बढ़ने की रफ्तार के साथ ही देश में लोगों को रोज़गार मिलने और कमाई बढ़ने
की रफ्तार का हिसाब भी जोड़ा जा सकता है और इसके साथ ही यह हिसाब जोड़ना भी ज़रूरी है कि अगर दुनिया के बड़े हिस्से में मंदी का खतरा मंडरा रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था को उससे बचाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। समाप्त। धन्यवाद।